हमारे सामने हारी है, पर ऐसे हारी है कि टक्कर दे के हारी है, तो उनको हम फाइनल में भेजना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच धर्म, हार्दिक, सारी टीम, आप लोग को कप की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी चैंपियन ही हो। और गेम चेंजर आपके लिए, अभी इन्होंने आपको जो सपोर्ट दिया है, मैं वैसे एक टीम की साइड नहीं ले सकता, बट जो आपको विड्रॉ करके जो सपोर्ट दिया है, तो आप दिल से खेलना और हो सके 100% देके बाद में रिजल्ट्स, तो जो टीम अच्छा खेलेगी या जो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ही कप मिलेगा, बट दिल से खेलना। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिसाल पेश की है सोर्सिंग स्ट्राइकर ने एक टीम वर्क का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह से ओके, दोनों कैप्टन जो है, फाइनल टीम जो पहुंच चुकी है, दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं, अभी टॉस कर लेते हैं।
भी 8 ओवर 74 ना 74 और विकेट 4 विकेट गए। हेलो अगले ओवर नितेश की और कैच हो सकता है और कैच ड्रॉप। पहले गेंद नितेश की और एक रन छिपा हुआ है। स्कोर पहुंचा 75। नितेश की वही टिक्स दूसरा सेटअप है। पहले वाला सेटअप में क्या होता है सुनना चेंडू एक रन पूर्ण केलेला आहे। चांगली वापसी आहे नितेश यांची। खूप सुंदर ओवर टाकतात। नितेश अंबीर अपनी अगली गेंद को लेते हुए राकेश मोरे के सामने और नितेश अंबीर ने बॉल किया है। राकेश मोरे ने बल्ला घुमा दिया है। गेंद हवा में और ये झेल और ये कैच टूट गया है। कैच ड्रॉप मैच ड्रॉप एक अच्छा कैच मिस मैच मिस एक अच्छा प्रयास नितेश अंबीर का अपनी गेंदों पे कैच लपकते हुए। नितेश अंबीर इनकी अगली गेंद अच्छा बैटर शॉट है शैलेश उनकी यहां से गेंद जाना नामुमकिन ही है। अच्छी गेंद में वापसी नितेश अंबीर की। चार गेंदों पे 4 रन दिया नितेश अंबीर ने अपनी अगली गेम लेते हुए और डॉट बॉल काफी नफीतुली बॉलिंग करते हुए नितेश अंबीर। 9 ओवर का आखिरी गेंद अगली गेंद नितेश अंबीर की राकेश मोरे के लिए। ये आखिरी गेंद इस ओवर की माने पूरा प्रयास मनीर दाव। इस गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति और स्कोर पूछा 78 और विकेट 4 विकेट 9 ओवर 9 ओवर के समाप्ति 78 रन और 4 विकेट। रंजन अगले गेंदबाज रंजन समीर रंजन सिंह अपनी गेंद रंजन सिंह तैयार है गेंदबाजी के लिए। रंजन सिंह ने प्रदीप को गेंद डाली है और यह प्रदीप ने बल्ला घुमा दिया है। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण शैलेश का। आज दिन भर के पूरे मैच में शैलेश ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तो मैच भी रह चुके हैं। रंजन सिंह अपनी अगली गेंद लेते हुए राकेश मोरे को और ये बॉल डाल दिया है। समीर भाई नहीं समीर भाई माइक के पास आना है। समीर भाई काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए राकेश मोरे रंजन सिंह अपने टीम के लिए राकेश मोरे को और रंजन सिंह गेंदबाजी के लिए तैयार राकेश मोरे के सामने। ये रंजन सिंह ने गेंद डाली और राकेश मोरे बल्ला घुमा दिया। कोई रन नहीं काफी सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए रंजन सिंह। फाइनल मैच के ये फर्स्ट इनिंग की लास्ट ओवर है। लास्ट ओवर में 3 गेंद बाकी है। ये 3 गेंद में क्या हो सकता है। ये रंजन सिंह ने गेंद डाली राकेश मोरे को एम्पायर का इशारा। अतिरिक्त गेंद अभी भी 3 गेंद बाकी है। ये 10वें ओवर की फर्स्ट इनिंग की और स्कोर अभी पहुंचा है 80। जो 8 ओवर में स्कोर जाता था वो अभी 10 ओवर में भी नहीं जा रहा है।
काफी ऊंचा गेंद और ये कैच हो सकता है, काफी अच्छी कोशिश और ये कैच ड्रॉप, एक रन पूरा किया है, दूसरे की कोशिश और ये अतिरिक्त रन, ओवर थ्रो में अतिरिक्त रन, गलत थ्रो की वजह से तीन रन का मुनाफा, तीन रन भागे। राकेश मोरे ने मौके को देखते हुए एक रन चुरा लिया है और स्कोर पहुंचा है 83। अभी भी दो गेंदे बाकी है इस अंतिम ओवर के, दो गेंदे बाकी है, इस दो गेंद में क्या होता है इसका रिजल्ट अभी सामने आएगा। ये रंजन सिंह अपनी गेंद को लेते हुए और गेंद डाली, बल्लेबाज ने घुमा दिया है, एक रन, एक एक रन से स्कोर बढ़ाते हुए। लास्ट गेंद और लास्ट ओवर की लास्ट गेंद है, फोर या सिक्स राकेश मोरे के भी, राकेश मोरे के ऊपर है, देखते हैं अभी क्या होता है इस गेंद पे, चौका या छक्का। और ये रंजन सिंह गेंद डालते हुए, और रंजन सिंह ने गेंद डाल दी, राकेश मोरे ने बल्ला घुमा कोशिश और ये निर्धाव, मगर एक रन चुराया है, माने का पूरा प्रयास था, स्कोर पहुंचा, स्कोर पहुंचा 85 और 86 का उनको लक्ष्य दिया गया है। गाड़ी नंबर 8035 पार्किंग से निकलना है, 8035 जरा पार्किंग में गाड़ी है, पार्किंग में जाना पड़ेगा, गाड़ी नंबर 8035। नितिन भाई का गाड़ी है, पार्किंग में, पार्किंग से कोई आया है यहाँ पे, 8035 फाइनल मैच का फर्स्ट इनिंग का स्कोर। इसके चैंपियन को 86 का टारगेट दिया है और 86 का टारगेट किया और समय पर पहुंचे एचके गेम चेंजर। जल्दी से अपना क्षेत्र चला लीजिए, अजित कुंभेड़े गेम चेंजर
इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में ये एसके गेम चेंजर्स के कप्तान अजीत कुंबेटे से प्रदर्शन लगाते हुए एचके गेम चेंजर के गेंदबाज बैट्समैन रंजीत वार्म अप करते हुए मैदान में बैट्समैन भेजिए एचके चैंपियन आकाश अंबिके बैट्समैन भेजिए रंजन और शैलेश बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए एचकेई चैंपियन के सलामी बल्लेबाज रंजन और शैलेश बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए इस मैच का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे दिख रहा है। ये फाइनल मैच का सामना शुरू होते हुए बॉलर रंजीत और सामना करेंगे शैलेश। लक्ष्य दिया 86 रन का। ये रंजीत ने गेंद डाली है शैलेश को और स्टार का इशारा। पहली गेंद वाइट, एक रन का मुड़ा था। एचकेई चैंपियन को और रंजीत गेंदबाजी करते हुए गेंद डाली है शैलेश को वाइट, फिर से दोबारा वाइट। शैलेश का खौफ गेंदबाज को दिख रहे है। अभी भी गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ बनाते हुए और रंजीत ने बॉल डाली शैलेश को निर्दय चेंडू। गेंदबाजी डॉट बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दो अतिरिक्त देने के बाद एक गेंद दो रन। और ये शैलेश ने बल्ला घुमा दिया है एक रन। रंजन बल्लेबाजी कमान संभालते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे रंजीत की। काफी कुछ चल रहा होगा इस गेंद का सामना करेंगे रंजन। और ये रंजन आउट। दसोर में 86 का टारगेट दिया है। सचिन ने अपनी टीम के लिए काफी अच्छा कैच पकड़ा है। बैटिंग के लिए कौन है? नितेश अंबिर नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाजी कमान संभालते हुए और अगली गेंद का सामना करेंगे शैलेश। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग और रंजीत की अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए। अगली गेंद का सामना किया शैलेश ने और एक रन चुराया है। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचता है 4 रन। इस
पांच गेंदों पे चार रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, पहला सेट का सेवर था चेंडू, और नितेश अंबीर ने बल्ला घुमा दिया है। एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। एक ओवर के समाप्ति के बाद एचके का स्कोर है हिमाजी, एचके का स्कोर है एक विकेट के बाद पांच रन। एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता है पांच रन और एक विकेट रंजन के स्वरूप में। अगले गेंदबाज बॉलर मुकेश, मुकेश काका अच्छी गेंद डालते हैं। नीतीश अंबीर काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए एक एक रन बनाते हुए। मुकेश मुकेश मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं इसके पहले के मैच में। और मुकेश गेंदबाजी करते हुए शैलेश को, शैलेश ने बल्ला घुमा दिया है, अच्छी क्षेत्र रक्षण, अच्छी फील्डिंग का नजारा दिखता है। दो रन बचा लिया अपने टीम के लिए। मुकेश इनकी अगली गेंद का सामना करेंगे शैलेश। ये देखो शैलेश ने बल्ला घुमा दिया है, एक रन, फाइनल मैच का प्रेशर दोनों टीम की तरफ से। मुकेश अपनी अगली गेंद को कोई रन नहीं, काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा हो रहा है वहां पे एयर इंडिया ग्राउंड में। इस ओवर के दो गेंदे बाकी, सामना करेंगे शैलेश, सॉरी नितेश, अतिरिक्त बॉल राइट। एचके प्रीमियर लीग का फाइनल मैच दोनों टीम खेलते हुए। मुकेश ने गेंद डाली है नितेश अंबीर को, और नितेश ने अच्छा सा प्लेस कर दिया है, अच्छा सा प्लेसमेंट और एक रन चुराया है। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ दस, काफी जोर से मारने की कोशिश। दो ओवर के बाद 10 रन एचके का स्कोर है। दो ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन स्कोर पहुंचा है 10 रन एक विकेट। अगली गेंद इस्माइल, अगली गेंद इस्माइल उनका सामना करेंगे शैलेश। नितेश अंबीर सामना करेंगे इस्माइल का। थोड़ा टाइम लेते हुए और ये पहली गेंद व्हाइट, अतिरिक्त दाव व्हाइट या स्वरूप, दो
जिस प्रकार से जो स्कोर रचा गया है, जो टारगेट दिया है, उसमें एक्स्ट्रा रन देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अच्छा गैप, बेहतरीन शॉट नीति नंबर का और चौका। नितेश अंबीर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस गेंद का अच्छा शॉट, बेहतरीन, मगर कोई भी रन नहीं। अच्छा प्रयास किया, गैप ढूंढने की कोशिश की, मगर वहां फील्डर मौजूद। और ये हवा मिस गेंद, नितेश का इधर पतन, विकेट का पतन हुआ है। जिस प्रकार से क्रिकेट रचा गया है यहाँ पे, रणजी के रूप में उनका कैच है। अगले बैट्समैन ब्राउन हुआ और ये इस गेंद पे सामना करेंगे शैलेश। शैलेश इनको अगली गेंद का सामना करना है, देखते मारने का प्रयास। एक रन पूरा किया और एक रन पे संतुष्ट रह के स्कोर पहुंचा है 16। इसमें इनकी चौथी, ये हल्का सा पुल करने की कोशिश, मनी लाओ चेंडू, कोई भी रन नहीं। इस्माइल अपनी गेंद को स्विंग कराते हुए इस गेंद पे आखिरी गेंद इनकी वाइट अतिरिक्त। अच्छी गेंद आने के बाद अगर एक्स्ट्रा रन जाता है तो उसका हर्जाना भरना पड़ता है। ये वाइट या नो जो भी जाते हैं, जब एक्स्ट्रा गेंद डालनी पड़ती है उसके लिए। अगली गेंद और काफी ऊंचा शॉट मारा है गैप में और अंपायर के बैट से चार रन का इजाफा और स्कोर पहुंचता हुआ। तीन ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 21 रन। रंजीत अपने टीम का चौथा शतक लेके और खुद का वैयक्तिक दूसरा शतक। अच्छी गेंद हवा में मगर झेल नहीं हो पाया और डॉट गेंद, कोई रन का प्रयास नहीं हुआ, स्कोर ठहरा हुआ, स्कोर रुका हुआ। शैलेश ने विकेट। मुकेश इन्होंने कैच लिया, बहुत बड़ा विकेट। इस मैच का बहुत बड़ा विकेट जिन्होंने
अच्छी शुरुआत करके आज इस मैच को फाइनल तक पहुंचाया है, उनके टीम को फाइनल तक पहुंचाया है शैलेश। अगला बैट्समैन आकाश, अगले बैट्समैन आकाश अंबिके। एक कचोरी बे समोसा, द्रव्य भाई पे पूरा भरोसा। एक कचोरी बे समोसा, द्रव्य भाई पे पूरा भरोसा। तपेली मासीरो, द्रव्य भाई चे हीरो। तपेली मासीरो, द्रव्य भाई चे हीरो। मार द्रव्य मार, सिक्सर मार। स्ट्राइक पे द्रव्य मार, द्रव्य मार, सिक्सर मार। मार द्रव्य मार, सिक्सर मार। काफी अच्छी गेंद द्रव्य ने मारी है और दो रन निकाल के निकालने का प्रयास पूरा। फिर से मार द्रव्य मार, सिक्सर मार। मार द्रव्य मार, रंजीत अगली गेंद दे। 25 रन इस ओवर का लास्ट गेंद अंतिम गेंद। इस ओवर की अंतिम गेंद और आकाश ने हेलो आकाश अंबिके इनके सामने डॉट गेंद, कोई प्रयास नहीं। अगली गेंद का सामना करते हुए आकाश अंबिके अच्छी गेंद, वाइड ना, वाइड अतिरिक्त दाव वाइट इज। गोल 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 बाउंड्री ने
अच्छी गेंद, अरे आकाश मारे सिक्स मारो, हेलो सांबड़ो हो जी रे मारो, हेलो सांबड़ो हो क्या अभी का छह रन आकाश एमबीके के आकाश की बात से छह रन के कचोरी बे समोसा आकाश भाई पे पूरा भरोसा, एक कचोरी बे समोसा आकाश भाई पे पूरा भरोसा, तपेली मासीरो आकाश भाई छे हीरो, तपेली मासीरो आकाश भाई छे हीरो। फिर से वाइड गेंद, वाइड गेंद, ये भी डॉट गेंद 37 5 ओवर 37 स्कोर, काफी धीमा स्कोर चल रहा है। जिस प्रकार से जीतने का टारगेट जो दिया गया है 86 रन का और 5 ओवर है बाकी, अभी भी 5 ओवर बाकी है। जिस गति से जा रहे एक खेल चालू है, आयो आव्यो द्रव्यो आव्यो सामे वाला ने धोवा आव्यो। अगली गेंद का सामना करते हैं आकाश और काफी ऊंची गेंद मारी है। तीतर के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जागे है मन के भीतर। मारा कश्मार सिक्सर काफी ऊंची गेंद और ये कैप्टन अजीत कुंभटे ने कैच की। मारा कश्मार सार मार, आकाश ने काफी ऊंची गेंद मारी है, अभी देखते हैं कैच हो सकता है क्या। अगले बैट्समैन हेमंत, मैच अभी भी मार द्रव्य मार सिक्सर मार, मार द्रव्य मार सिक्सर मार, मार द्रव्य मार सिक्सर मार। बोलो कहाँ है साथी पहली मार्ग रो द्रव्य मार, मैदान में आपके पहली मार्ग रो द्रव्य मार,
ये क्या है? आई बात है फिक्स। मार दो मार। द्रव्य भाई आया छे। धूम धड़ाका लाव्या छे। द्रव्य भाई आया छे। धूम धड़ाका लाव्या छे। एक धाव एक रन के साथ संतुष्टि। स्कोर पहुंचा 53 33। अभी भी 24 गेंदों में 33 रन की आवश्यकता। 24 गेंद और 33। अगले गेंद इस्माइल अपना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। द्रव्य भाई छे सुपरस्टार। इस्माइल का लिटिल स्टार। इस्माइल का वैयक्तिक दूसरा सेट है। ये द पहली मासीरो। द्रव्य भाई छे हीरो। आर द्रव्य मार सिक्स आर मार। मैदान में काफी जोश। इस गेंद पे बैटिंग कौन है? बैटिंग में बैट्समैन नेम अरे बैट्समैन का नाम बताइए। बैट्समैन का नाम हाँ इसको बैट्समैन का नाम क्या? सबाजीत ना। एक वाइट अतिरिक्त दो वाइट कौन और कौन डाल रहा है? इस्माइल। इस ओवर की चार गेंदें हो चुकी है। दो बाकी है। सामना कर रहे हैं सभाजीत। डॉट गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। सात ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 55। अगला बॉलर हेमंत सभाजीत रवि मिश्रा व्हाइट अतिरिक्त धाव व्हाइट सभाजी सामना करेंगे इस गेंद का।
दोबारा वाइट, लगता है गेंद का नियंत्रण खो चुके हैं। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, दो वाइड के बाद एक डॉट गेंद, अच्छी वापसी लग रही है। रवि इनकी दूसरी शटर, इनकी वैयक्तिक दूसरी शटर। ये गेंद डॉट, काफी अच्छी कीपिंग करते हुए मुकेश, उनको देख के हर फील्डर इंस्पायर होगा कि उम्र नहीं होती खेल की। काफी अच्छा शॉट गैप में मारा है और बहुत देर के बाद ये चौका मिला है, चौका लगा है काफी समय के बाद। सभाजीत तो इधर मारने की कोशिश, मगर सिंगल रन पे खुश रहना पड़ेगा। हर कोई यहां पे पुष्पा है, प्रणव समझे क्या? स्ट्राइक सामना करेंगे हेमंत। वाइड गेंद, अंपायर ने इन्हें अतिरिक्त डाउन वाइट, स्कोर पहुंचा 63। अभी भी जीत के लिए 23 रन की जरूरत है। काफी अच्छी गेंद, कुमार एक रन पे खुश रहना पड़ेगा। स्कोर 64, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 64 और 6 विकेट, अभी भी हाथ में 4 विकेट बचे हुए और स्कोर 12 गेंद पे 22। बारह गेंदों में 22, इतना मुश्किल भी नहीं है इस मैदान में, इस मैच में। मुकेश अच्छे बॉलर, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया इस मैच में, मैच भी लिया है और काफी ऊंचा गेंद। इसलिए कहा जाता है मैडम की थोड़ा अंदर बैठे तेरा बाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया। कितना? दो रन, दो, चार रन, चार रन। क्या? हम पर स्कोर अभी क्या है? फोर है ना? हाँ, चार रन। फोर है? दो रन? फोर है, फोर है। चार रन। हेमंत की बैट से 4 रन। और रन की कोशिश, कब
अरे वाइट हम पर कहीं सारा वाइट मैच कुछ अलग मोड पे जा रहे हैं। 11 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। और दोबारा एक डॉट गेंद, अच्छी वापसी महेश मुकेश इनकी, अच्छे काफी समझदार बोले है। फिर से ऊंचा ऊंचा हुआ है, देखते क्या होता है क्या। एक रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश और दो रन पूरे किए हैं। सेवेंटी वन अभी 15 रन की आवश्यकता। 9 गेंदे और 15। मैडम नीचे बैठिए। अरे काफी ऊंचा शॉट मारे हेमंत की बैटिंग से। और 9 रन, गेम को फिर से 14 बारी होते हुए हेमंत ने गेम अपने तरफ खींच लिया है। फायदा मारने की कोशिश, एक रन पे खुश, दूसरे का प्रयास, कोई प्रयास नहीं। अच्छी गेम में वापसी हेमंत द्वारा, अच्छी ओवर डाल देते हैं मुकेश। एक सिक्स की वजह से पूरे मैच का पलड़ा भारी पड़ गया। मैच अभी दोनों तरफ है। अभी 7 पे 8 गेंदे 8, अच्छी कोशिश, डायरेक्ट शॉट रोज ऊपर था, नट आउट। हम पर जैसे नट आउट, काफी अच्छे समझ से खेल रहे हेमंत। बार बार हाँ बोल यार हाँ। 6-7 बॉलर खुद कैप्टन ने अभी जिम्मेदारी ली है इस मैच को संभालने की। अगले अजित कुमेटे और बैट्समैन है नंदराज। अरे 5 गेंद, फिर से डॉट 4-7 काफी अच्छा मैच चल रहा है। क्या हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं। मैच कभी भी पलटी मारती है, अंतिम ओवर तक मैच का पलटा भारी रहता है अंतिम ओवर तक। अगली गेंद, एक रन निकालने की कोशिश, एक रन पूरा किया है। अब 3 गेंदों पे 3-6 स्ट्राइक आउट करके दिया हेमा इनके पास। अच्छी समझदारी, अच्छी सूझबूझ का खेल क्रिकेट वाला दिख रहा है। 3 गेंदे और 6 रन, अगले 3 गेंदे और 6 रन, क्या होता है इस गेंद में देखिए। 3 गेंदे और 6 रन, और ये मारने का प्रयास, और ये विकेट का पतन। 2 गेंदे
गई अब दो गेंदे रन अजीत इनकी काफी सोची समझी गई ये अच्छा निर्णय लिया उन्होंने कि खुद होके मैच लेंगे और आएंगे नेक्स्ट बैट्समैन नेक्स्ट बैट्समैन कौन है नेक्स्ट बैट्समैन नाम बता रहे हैं बैट्समैन का नाम क्या नेक्स्ट बैट्समैन का नाम क्या है अजीत संदीप संदीप के प्रदीप संदीप इस गेम में ये भी गेम बहुत मगर एक रन चुराया है स्ट्राइक दिया है अब एक पे छह एक पे पांच देखते हैं मैच में क्या एक गेंद और पांच रन जैसे वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है वैसे माहौल प्रेक्षक पूरा खड़ा है क्या उस मैच का मनोरंजन रहे एक गेंद और पांच रनों की जरूरत है एक गेंद और पांच एक गेंद और पांच खड़क धड़क भड़क साली चकत मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली अब अभी तो मैच तो हो ही गया एक के गेंद पर मैंने गेंद शुरू कर दिया एक के गेंद पर धड़क बोलता से धड़क धड़क बोलता झिड़क झिड़क मल्ला धड़क
कंसाल है ना बोलो सभी लोग एक बार चेयर पे अपना अपना स्थान एक बार ले लें। सभी टीम यहां पर आ गई है विनर्स वॉलीबॉल कबड्डी एंड क्रिकेट। तो सबसे पहले सुबह से अभी तक आप लोग जो खेल रहे हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे आज जो किया है तो सुबह से अभी तक आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन हुआ नहीं है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैच स्टार्ट किया हो। तो एक बार सभी के एनर्जी के लिए जोरदार तालियां हो जाने चाहिए और सभी लोग यहां पर यंग हैं, हमारी टीम जो है वो पूरी यंग है। तो आप सभी के लिए एक लाइन हम यहाँ पर बोल ही देते हैं कि संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साय में असली आजादी पलती है, इतिहास भी उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। तो ऐसे ही मेरे सभी जवान दोस्तों के लिए आज यहाँ पर एचके डिजाइन्स के द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया था। हसू भाई के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट ने आज का यह जो प्रोग्राम किया था एयर इंडिया स्पोर्ट्स ग्राउंड में, सुबह से लेकर शाम तक अभी का माहौल आप देख ही रहे हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच में पधारे हुए हमारे आज के मेहमान महेंद्र ठाकुर सर, यूनियन बैंक ब्रांच मैनेजर, प्रमोद पांडे सर, एसबीआई रिलेशन मैनेजर, आपका स्वागत है सर। मैं हसू भाई जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिप्स एचके डिजाइन्स के, उनसे निवेदन करता हूं कि आप आज के हमारे मेहमान को लेकर यहां स्टेज पर पधारें। साथ ही राजू भाई से निवेदन करता हूं कि आप भी पधारें। पराग भाई और राजेश कुमार से भी निवेदन करता हूं कि आप भी यहां स्टेज पर पधारें। जोरदार तालियों से हम मेहमानों का स्वागत करेंगे। सबने सुबह में सुना होगा लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि तालियां बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां दूर होती है। तो तालियां तो बजाते ही रहे, हो सकता है कि ताली बजाने से हम सेफ रहे और दिन की जो थकान है वो उतर जाए। और पास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्लेन में जो लोग जाते हैं वो इधर देखने चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप सभी के जोश और जुनून को मैं सलाम करता हूँ। मैं प्रियेश, आप सभी का दोस्त, आप सभी का साथी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हसू भाई से निवेदन करता हूँ कि आप महेंद्र ठाकुर सर का बुके से स्वागत करें और साथ ही उन्हें उपहार भेंट करें, गिफ्ट। मैं राजू भाई से निवेदन करता हूं कि आप प्रमोद जी पांडे सर एसबीआई से पधारे हुए रिलेशन मैनेजर, उनका बुके से स्वागत करें। साथ ही प्रमोद जी पांडे जो हैं अपने परिवार के साथ यहां पर पधारे हुए हैं तो मिसेस प्रमोद पांडे मैडम का भी स्वागत करना चाहूंगा। मैडम आप यहां पर पधारें और हिरल भाभी से निवेदन करता हूं कि आप मैडम का स्वागत करें।
अभी स्वागत बुके से तो हो गया है, लेकिन एज अ हमारे शुभचिंतक और फैमिली मेंबर होने के नाते मैं हसू भाई, राजू भाई, पराग भाई सभी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले महेंद्र ठाकुर सर का कृष्णा मूर्ति भेंट करके आज का एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रमोद जी पांडे सर का भी कृष्णा मूर्ति भेंट करके स्मृति चिन्ह भेंट करें। वैसे सुबह से हम इंतजार कर रहे थे, प्राइजेस की बारी तो आ ही रही है, लेकिन हमारे बीच पधारे हुए मेहमानों का भी हम आशीर्वाद लेना भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप यहां पर पधारे, हमारे सभी में परिवारजनों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द कहें। जो ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा और जो जोश और ये सब कुछ देखा आप लोगों में, सुबह से लेकर के आप लोग गए, इतनी बड़ी धूप में खेल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके लिए हैट्स ऑफ, सबके लिए तालियां हो जाएगा। फंक्शन में जाते नहीं, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने किया है उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू एवरीबॉडी। और हर साल में इसी तरह से होते रहे, इसी तरह से आप लोग करते रहे, बस यही बेस्ट विशेष टू ऑल। थैंक यू सर। आपको बताना चाहूँगा सर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हरि कृष्णा ग्रुप, साल में 3 बार हम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, उसके बाद में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन करते हैं जिसमें सभी हमारे परिवारजनों के साथ में हम मिलकर यहाँ पर पूरे स्पोर्ट्स का मजा लेते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान भी करते हैं जैसे आज हमारी पूरी टीम ने पूरे मैदान में किया। समूह लग्न हो या फिर जैसे अभी पद्मश्री मिला सवजी काका को, तो उसमें उन्होंने संकल्प लिया है कि 100 तालाब बनाकर राष्ट्र को समर्पित करना है, तो अभी तक 75 इस तरह से हमने तालाब बनाकर राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। और आप सभी के साथ और सहयोग से आगे भी और नए नए कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे, यही आशा करते हैं। अब मैं प्रमोद पांडे सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप भी कुछ शब्द कहें आशीर्वाद स्वरूप। आप सभी को नमस्कार, बैंक आए हुए पदाधिकारी हेलो, तो आपका ये आयोजन से बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने जिस तरह अपने एम्प्लॉय के लिए इतना अच्छी तरह से व्यवस्था किया, तो आप सभी से निवेदन है कि HK डिजाइन परिवार को और आगे बढ़ाएं और सब मिलकर हम लोग काम करें। हम लोग सब एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, बैंकिंग या एम्प्लॉई और कंपनी के मालिक लोग, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग मेहनत से काम करते रहें और इस HK डिजाइन को और ऊंची ऊंचाई तक ले जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में जिनको बुलाना चाहता हूँ उनके पहले ही मैं आपके बिहाफ में लाइन कुछ पेश करना चाहूँगा, करूँ कि नहीं, कि चुनौतियों से ये कभी डरते नहीं, पीछे हटने में कभी यकीन करते नहीं, ठान लेते हैं जो वो करते ही हैं, ऐसे सितारे यूं ही उभरते नहीं। तो मैं हसू भाई से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ शब्द कहें। मजा आया और करना है हर साल ऐसा ही सेम करे डे नाइट के खाली डे का करे। पहले तो सर आपने जो बताया एम्प्लॉय, पर रियल में ये तो मेरा परिवार है, क्योंकि हम तो एसी केबिन में बैठते, रियल वर्क तो ये लोग करते, पर आज
वर्क भी करते हैं और आज इनकी जो स्पोर्ट्समैन के तरह जो स्किल है वो पहली बार देखी, क्योंकि 2017 में मैं इंडिया आया, उसके बाद हमने एक भी स्पोर्ट्स डे नहीं रखा है, तो पहले तो सॉरी। और ये जोश देख के अभी हर साल हम करेंगे और खुशी बहुत होती है आपको देख के जो हिसाब से आप सब खेले सुबह से 8:30 बजे से अब शायद 9:30 बजा, पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट होती है पर किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं है, तो ये देख के रियल में बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा मेरा परिवार है। और स्वच्छ भारत तो जो मोदी जी ने दिया है, पर हमारा भी एक जय बोलो या तो एक प्रयत्न है कि हम जहाँ जाए, जहाँ पे खेलने जाए, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, तो सभी जगह को हम सर इतना क्लीन करते हैं कि जैसी हमें मिली थी वैसे ही वापस देते हैं। तो आज आपने देखा होगा 6 बजे करीबन 300-400 लोग पूरे ग्राउंड में घूम के कचरा ले रहे थे और मैं देख रहा था लड़कियों को कि कोने कोने में जाके हम लोग गुटखा नहीं खाने देते, पर तो भी काफ़ी लोग खाते हैं, तो वो लोग वो उठा रहे थे और काफ़ी जो कैंडी खाई थी उसकी जो वुडन की स्टिक रहती है वो इतनी अच्छी मतलब डर्टी होती है, तो भी वो लोग उठा के डाल रहे थे। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और आप लोग प्लीज़ ये जो हमारी इमेज है वो ऐसी ही रहनी चाहिए, जहाँ जाए वहाँ सब बोलने चाहिए कि ये क्लीन देख के लग रहा है कि यहाँ HK का प्रोग्राम हुआ होगा। थैंक यू प्रभु भाई, पीयूष कुमार, संजय कुमार, चिराग जो खाली फ्रेंड है पर 9:30 बजे तक यहाँ रुके, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और वो भी उनके पूरे परिवार के साथ। फ्रेंड्स तो बहुत है, इनविटेशन बहुत को दिया था, पर जो लोग आते हैं और लेट तक रुकते हैं वो रियल फ्रेंड है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं पूरी जो वॉलंटियर टीम है उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, साथ में जो भी एडमिन टीम थी और जो स्कोर कर रहे थे यहाँ आगे आ जाइए हमारी। तो ये जो आज प्रोग्राम आपने एंजॉय किया और स्पेशली आपने जो खेला उसके लिए जो आपको जगह बोलो या तो जो चीज़ चाहिए थी खाना या तो कोई भी स्पोर्ट्स की लाइन डोरी है कुछ भी है, तो 8 बजे से हम लोग तो 8:30 बजे आए, पर 8 बजे से ये वॉलंटियर आके पूरा दिन आप किसी को भी मैंने बैठे हुए नहीं देखा है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार खड़े होके इनके लिए तालियां बजाएं। थैंक यू, क्योंकि आपके बिना ये इवेंट्स पॉसिबल ही नहीं है और सबको इतना मजा आया है कि शायद एवरी ईयर आपको हम परेशान करेंगे। तो जैसे मैंने बताया हम ट्राई करेंगे कि हर साल ऐसी टूर्नामेंट करें और आप ऐसे ही जोश से खेलें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ और स्वच्छता के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसू भाई, आपने
हमें इतना मोटिवेट किया और हमारे लिए इतना किया कि नेक्स्ट हर साल आपने ये स्पोर्ट्स डे करने का हमें प्रॉमिस किया हुआ है। तो हम भी आपको बता ही देते हैं कि हौसलों की दहाड़ होगी, संघर्षों की ललकार होगी, आएगी बात जब भी टीम वर्क की तो हरि कृष्णा ग्रुप की ही जय जयकार होगी। थैंक यू। अब बारी आती है प्राइजेस की, तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं 100 मीटर रेस, जिसमें मेल्स ने पार्टिसिपेट किया था, उनके रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जाता है शंभु माले। जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पर हैं और खड़े होकर यहाँ पर आते हैं, जब तक प्राइज मिलते तब तक आपको तालियां बजानी है। शंभु माले अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएं, और अगर नहीं है उनको गिफ्ट करने के लिए यहाँ पर आए प्रिया बेन, राजश्री बेन और कृति बेन, आप यहाँ पर आ जाएं गिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सिल्वर मेडल रवि चौहान। रवि चौहान 100 मीटर रेस सिल्वर मेडल। प्रिया बेन, राजश्री बेन और कृति बेन। गोल्ड मेडल यहां पर जाता है स्वप्निल नंगा में। स्वप्निल नंगा में जहां पर भी है आ जाए। 100 मीटर रेस आप ही गिफ्ट करें, एक मिनट यहां पर ही रुके। थैंक यू कृति बेन और राजश्री। नेक्स्ट 200 मीटर मेल ब्रॉन्ज मेडल जाता है अभिषेक वगासिया, जिसको यहां पर उपहार देंगे अमिता बेन, निकिता बेन और पायल बेन। अमिता बेन, निकिता बेन और पायल बेन यहां पर आ जाए। सिल्वर मेडल जाता है अनु सरोज। सिल्वर मेडल अनु सरोज। और गोल्ड मेडल जाता है यश चौहान। गोल्ड मेडल यश चौहान 200 मीटर। अभी 400 मीटर रिले रेस मेल में ब्रॉन्ज ग्रुप, जिनको गिफ्ट देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शोभा भाभी, मीता भाभी और सविता भाभी, आप यहां पर आए। ब्रॉन्ज ग्रुप यहां पर जाता है नीरज कुमार यादव। सिल्वर ग्रुप बबलू पंडित। बबलू पंडित सिल्वर ग्रुप। और गोल्ड ग्रुप जाता है अजय खेड़ेकर। नेक्स्ट खो खो फीमेल सोनल बेन, शोभा बेन और रश्मि भाभी यहां पर आ जाए। सोनल बेन, शोभा बेन और रश्मि भाभी। खो खो फीमेल में रनर अप यहां पर जाता है ट्रॉफी एंड मेडल पूजा जालंधर। पूजा जालंधर।
नेक्स्ट विनर खोखो फीमेल हीरल बाबी श्वेता बेन रीनल बेन मैक्सी एंड ट्रेक्सी आप यहां पर आए विनर टीम को यहां पर अपना ट्रॉफी दें मानसी पॉल विनर मानसी पॉल खोखो फीमेल टीम के साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा बीच में चले जाएं उस तरफ बीच में यहां पर उपहार देने के लिए आएंगे पीयूष कुमार और संजय कुमार और विनर है कृष्णा राणे एंड टीम खोखो मेल हितेश भाई पटेल आप यहां पर टीम को ट्रॉफी दें टग ऑफ वॉर विनर मेल गेम चेंजर्स टीम को आप यहां पर ट्रॉफी देंगे गेम चेंजर्स कहां पे हैं भी साथ में आए तो अच्छा रहेगा नेक्स्ट है कबड्डी मेल प्लेयर ऑफ द सीरीज जिनको ट्रॉफी दी जाएगी चिराग मोरलिया धर्म भाई और राजीव सिंह जी आप यहां पर आए और प्लेयर ऑफ द सीरीज जाता है विनोद पाटिल को विनोद पाटिल कबड्डी में कबड्डी मेल रनर अप जिसको यहां पर ट्रॉफी देने के लिए बुलाना चाहूंगा जैमिश भाई चैतन्य भाई भाविन भाई और प्रकाश भाई सचवानी यहां पर आए और रनर अप है यहां पर सोर्सिंग स्ट्राइकर्स कबड्डी मेल में रनर अप है सोर्सिंग स्ट्राइकर जोरदार तालियां लीडर भी साथ में आ जाए जो भी टीम आएगी उसके
और कबड्डी मेल विनर जाता है एच के सुपरस्टार को। और गिफ्ट देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पराग भाई और प्रभु भाई को। टीम आ जाए और साथ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उनके लीडर जो रहेंगे वो भी साथ में आ जाए। वॉलीबॉल टीम जिसमें बेस्ट सर्व जाता है राजू यादव को। और यहां पर गिफ्ट देने के लिए बुलाना चाहूंगा शिवाजी नकाशे, प्रदीप महात्रे और रवि जी जैन। रोहित जी जैन बेस्ट सर्व ट्रॉफी यहां पर जाता है वॉलीबॉल में राजू यादव। नेक्स्ट है मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी यहां पर जाती है राम संदेश यादव को। गिफ्ट देने के लिए बुलाना चाहूंगा राजेश भाई शाह, संजू भाई और कुणाल भाई। रनर अप जाता है यहाँ पर ट्रॉफी सोर्सिंग स्ट्राइकर्स को। गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर आए मयूर भाई बलाला, हेमंत भाई, कल्पेश भाई और संजय भाई शाह, संजय भाई गेलानी। और वॉलीबॉल विनर यहां पर जाता है एच के ईगल्स राजू भाई, राजेश कुमार और द्रव्य भाई यहां पर उनको गिफ्ट करेंगे एच के ईगल्स। अब बारी आती है क्रिकेट की, तो बेस्ट फील्डर यहां पर जाता है, किसको जा सकता है बेस्ट फील्डर? बेस्ट फील्डर का यहां पर गिफ्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा धरम चिले और दर्शन भाई पटेल को। पहले यहां पर आ जाए। बेस्ट फील्डर यहां पर जाता है सचिन वाघमारे। बेस्ट फील्डर
बेस्ट बेस्ट मैन किसको जाना चाहिए? एनी गेस? बेस्ट बैट्समैन यहां पर जाता है नीलेश देबे को, नीरज काकड़िया, चिराग पाटीदार और चिराग सिंघवी यहां पर आ जाएं और उनको अपने हाथों से ट्रॉफी दें। अभी बेस्ट बॉलर यहां पर जाता है, कौन रहेगा? रणजीत पंडित, सुभाष भाई और राजू भाई, आप अपने हाथों से गिफ्ट दें। बेस्ट बॉलर रंजीत पंडित, सुभाष भाई, सीरीज कौन हो सकता है? चलिए गिफ्ट देने के लिए बुलाना चाहूंगा पहले राकेश भाई किकानी, मनोज भाई सुरवे और समीर भाई पीपलिया यहां पर आ जाएं गिफ्ट देने के लिए। और मैन ऑफ द सीरीज यहां पर जाता है वन एंड ओनली नीलेश देबे। मैच जिसको देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा संजय भाई, नेविल भाई और नितिन भाई असलालिया। संजय भाई शर्मा, नितिन भाई और नेविल भाई। मैन ऑफ द मैच जाता है इस्माइल को, ब्रॉन्ज मेडल इस्माइल को। रनर अप की बारी आती है क्रिकेट में, वो तो सबको पता ही होगा। यहां पर मैं बुलाना चाहूंगा सभी गेस्ट, मिसेज पांडे और हिरल भाभी भी यहां पर आ जाए। आप सभी गेस्ट भी आगे पधारे। अभी इनके लिए एक शायरी आपके लिए बोल ही देता हूं कि अपनी जीत का इतना भी जश्न ना मनाए बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं। तो ये है एच के चैंपियंस, आज की रनर अप टीम है एच के चैंपियंस।
कॉन्ग्रेचुलेशन सभी गेस्ट यहीं पे खड़े रहे। हीरल भाभी आप और मैडम स्थान ग्रहण करें। अभी अभी बारी आती है चैंपियंस की, तो आज की विनर टीम जो है चैंपियंस, जिन्हें ट्रॉफी और गोल्ड मेडल यहां पर दिया जाएगा, हमारे सभी गेस्ट यहां पर मौजूद ही हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ लाइनें तो बनती है कि नहीं दोस्तों? और जैसे नाम रखा है गेम चेंजर, वैसे ही उन्होंने गेम को चेंज तो कर दिया, तो लाइनें तो बनती ही हैं। जब परिंदों से ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में दौर जब हारने का, देखना जीत उसी दौरान हमारी होगी। और टीम है यहां पर आज की चैंपियन एच के गेम चेंजर्स, जोरदार तालियां। पहले एक एक जन आगे आए, मेडल है आपको, तो पहले मेडल पहने उसके बाद में ट्रॉफी लें। ये लास्ट अवार्ड है यहाँ पे जो दिया जा रहा है ट्रॉफी, तो आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। तो सर हर हर कार्य में वो एनर्जी सुबह से शाम तक हो गए या 5 दिन का हो तो भी उसमें उतना मिल ही जाएगा,
तो एनर्जी तो कभी हमको कम पड़ता नहीं है। और खास मैं सिप्स की तरफ से राजू भाई और विशाल भाई झड़पिया और बाकी टीम एडमिन को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने हमारे इस काम कार्य के लिए काफ़ी हेल्प की है, बिकॉज हमारा बीच में तीन चार साल का गैप हो गया था, तो उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प की थी ये सारे सेटअप में। और उनकी वीडियोग्राफी टीम को भी भेजा था, जो स्वप्निल सुबह से आया हुआ है यहाँ पे। और अशु भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अभी उन्होंने बोल तो दिया है, बट हम लोग भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जो अगले साल होगा स्पोर्ट डे, उसमें जो अब की बार है उससे ज़्यादा पब्लिक इन्वॉल्व होगी। और हो सके तो अशु भाई ने मुझे बोला था 2 दिन रखते हैं, तो मेरा अशु भाई बहुत दिन के बाद है, तो शायद 1 दिन में पहले ट्राई करते, पर एनर्जी तो काफ़ी है, तो हो सके तो सैटरडे संडे भी कर सकते हैं हम लोग, बट हमारे जोश के ऊपर वो डिसीजन लेंगे, तो हमारा जोश ऐसा ही रहेगा। राइट, 3 बार हिपी भूरे से करें, हिपी हिपी हिपी, थैंक यू सर। आज हमारे पधारे हुए मेहमानों को भी धन्यवाद और आप सभी दोस्तों को भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अभिषेक अभिषेक